ओके चल रहा है राइट दैट वी शुड ऑलवेज से द ट्रुथ एंड वी शुड अवॉइड लाइज. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कहानी एक सच्चे बालक की जो हमेशा सच बोलता है. ठीक है. तो बहुत पुरानी बात है उस समय न मोटरें थी न रेले. ओके तो ये बहुत पुरानी बात है उस समय न मोटरें चलती थी न रेले. ठीक है गाड़ी वाड़ी चलती नहीं थी. व्यापारी ऊंट खच्चर आदि पर सामान लादते और व्यापार करने जाया करते थे. तो जो व्यापारी थे व्यापारी किसे कहते हैं बिजनेसमैन को. वो लोग क्या करते थे ऊंट में जाते थे ऊंट से सफर करते थे क्योंकि उस टाइम रेल गाड़ी ये सब कुछ भी नहीं थी. खच्चर यानी गधा गधे पे सवारी करते थे और गधे पर अपना सामान रखते थे और व्यापार करने जाया करते थे. वे लोग काफिला बनाकर यात्रा करते थे क्योंकि उन दिनों रास्ते में चोर डाकुओं का भय बना रहता था. तो वे लोग क्या करते थे व्यापारी काफिला यानी कि एक मार्ग पर चलते हैं जब सब ग्रुप में मिलकर उसे कहते हैं काफिला. लोग काफिला बनाकर यात्रा करते थे सफर करते थे क्योंकि उन दिनों रास्ते में चोर डाकुओं का भय बना रहता. भय यानी डर डर बना रहता था कि कहीं उनके सामान को कोई लूट ना ले. उन्हीं दिनों व्यापारियों का एक काफिला जिलान से बगदाद जा रहा था. तो उस दिनों क्या हुआ व्यापारियों का एक काफिला जो है बिजनेसमैनों का एक काफिला जो था जिलान एक जगह है बगदाद में वहां से जा रहा था. उस काफिले में वो अब्दुल कादिर नाम का एक बालक भी था. तो यहाँ पिक्चर में हमें दिख रहा है ना काफिला बनाकर जा रहे हैं लोग. तो इस सब ऊंट पे सवारी कर रहे हैं ग्रुप ग्रुप करके बैठे हैं सब ग्रुप वाइज जा रहे हैं. और उसी ग्रुप में एक बच्चा था उसका नाम क्या था अब्दुल कादिर. अब्दुल कादिर नाम का एक बच्चा था बालक था. उस काफिले पर डाकुओं ने आक्रमण कर सबको लूटना शुरू कर दिया. उस काफिले पर डाकुओं ने आक्रमण कर सबको लूटना शुरू कर दिया. तो उस काफिले पे क्या हुआ डाकुओं ने क्या किया आक्रमण कर दिया मतलब हमला. आक्रमण किसे कहते हैं हमला. हमला कर सबको लूटना शुरू कर दिया. तो फिर क्या हुआ जब जैसे लूटना लोगों ने शुरू किया तो एक लुटेरे ने अब्दुल कादिर से पूछा क्या पूछा उस बालक बच्चे से कि तेरे पास कुछ है. किसने पूछा डाकुओं ने. तेरा सा व्हाट हैपेंड तेरा सा एक लुटेरे ने अब्दुल कादिर से क्या पूछा. अब्दुल कादिर किसका नाम था बताओ मुझे. टेल मी एनीवन अब्दुल कादिर किसका नाम था. अब्दुल कादिर बालक का नाम था. वेरी गुड. सो उस लुटेरे ने अब्दुल कादिर से क्या पूछा कि तेरे पास और क्या किया बालक ने उसका अस्तर फाड़ दिया. बालक ने सदरी उतारी और उसका अस्तर फाड़ दिया. सदरी का मतलब क्या है सदरी मतलब जैकेट की तरह का वस्त्र. जैकेट की तरह का वस्त्र पहनते हैं उसे सदरी कहते हैं. उसने सदरी उतारी अपनी जैकेट और उसका अस्तर फाड़ दिया. सदरी में से खन खनाती अशरफियां धरती पर आ गई. तो जैसे ही उसने वो अस्तर फाड़ा तो अशरफियां पूरी जोरदार से नीचे गिरने लगी खनखनाते हुए. अशरफियां धरती पर आ गिरी. सभी लुटेरे अशरफियों को देखकर आश्चर्यचकित थे. तो आश्चर्यचकित का मतलब क्या होता है हैरान. तो सभी डाकुओं ने अशरफियों को देखकर हैरान हो गए. फिर वहां पर एक सरदार था जो डाकुओं का सरदार. उसने क्या कहा लड़के को क्या बोला लड़के तू जानता है कि हम तेरी सारी अशर्फियां छीन लेंगे फिर तूने इन्हें हमें इनका पता क्यों बताया. तो उस बालक से जिसका नाम अब्दुल कादिर था उस डाकुओं ने क्या कहा कि लड़के तू जानता है कि हम तेरी सारी अशर्फियां छीन लेंगे तो तूने ऐसा क्यों किया और फिर तूने इनका पता हमें क्यों बताया. तो अब्दुल कादिर बच्चा जो है वो क्या बोला मेरी माता ने मुझे कभी भी झूठ ना बोलने को कहा था. मेरी माता ने क्या कहा था मुझे कभी भी झूठ ना बोलने को कहा था. हमेशा सच की राह पर उसे चलने को कहा था. अशर्फिया बचाने के लिए मैं झूठ कैसे बोल सकता था क्योंकि उसकी माँ ने क्या कहा था
हमेशा सच बोलना बेटे, तो इसीलिए वो अगर अशर्फिया छुपाने रहता तो उसे झूठ बोलना पड़ता, तो इसीलिए उसने क्या किया, अपनी अशर्फिया नीचे गिरा दी ताकि डाकू उसे देख ले। और वो उसने क्या कहा फिर उत्तर में, कि अशर्फिया बचाने के लिए मैं झूठ कैसे बोल सकता था, मेरी माँ को दुख ना होता। उसने क्या कहा, अगर मैं झूठ बोलता तो क्या मेरी माँ को दुख ना होता। माँ ने कहा था झूठ बोलना पाप है, माँ ने मुझे यही बताया था कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना गुना होता है, पाप होता है। क्या मुझे पाप करना चाहिए था, मुझे अशर्फिया छिन जाने की चिंता नहीं है, मुझे खुशी है कि मैंने अपनी माँ को दिया वचन निभाया। तो बच्चे ने क्या किया, मुझे ये डर नहीं था कि मेरी अशर्फिया छिन जाती, बल्कि मुझे ये डर था, ये चिंता थी कि कहीं अशर्फिया छिन जाने का डर नहीं था मुझे, बल्कि मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने अपनी माँ को दिया हुआ वचन निभाया। तो आश्चर्यचकित लुटेरे बालक को देखते रह गए, तो जो लुटेरे थे वो बालक को देखते रह गए, और क्या किया, छोटे बालक की बातों का सरदार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो इस छोटे से बालक की जब बातें उन्होंने सुनी तो उन्हें क्या हुआ, उनके पर इतना बड़ा असर हुआ, ये प्रभाव मतलब असर। उसने अपने साथियों को व्यापारियों का माल लौटाने का हुक्म दिया। फिर डाकुओं के सरदार ने क्या हुक्म दिया, कि ये सारे माल इनके वापस लौटा दो। उसने सोचा कि एक छोटा सा बालक झूठ नामक पाप से बचने के लिए सच बोल रहा है, और हम है कि पाप पर पाप किए जा रहे हैं। तो उस डाकू ने क्या सोचा, इतना छोटा सा बालक झूठ बोलने के लिए अपनी अशर्फिया उसने दे दी, और हम झूठ के चक्कर में और चोरी करने के चक्कर में हम गलत पे गलत करते जा रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं। तो इस बात का उस डाकू पे बहुत बड़ा असर हुआ। उसने उसी समय लूटपाट ना करने का संकल्प लिया और वहां से चला गया। संकल्प का मतलब है निश्चय, मतलब डिसीशन लेना। तो उसने उसी समय लूटपाट ना करने का वचन लिया, संकल्प लिया, और वहां से डाकुओं पूरे अपने साथी के साथ वहां से चले गए। तो अब्दुल कादिर ये एक जिलानी, बहुत अच्छी कहानी है, जिससे ये पता चलता है कि मॉरल लेसन हमें क्या मिलता है, कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ का सहारा लेने से हमेशा हम पर मुसीबत और परेशानी आती है, उससे बेहतर है कि भले फंस जाए लेकिन हम हमेशा सच बोलें। ठीक है, सच बोलना भी बहुत अच्छा काम होता है, और सच बोलना अपने माँ बाप के लिए बहुत ही फक्र की बात होती है। जब हम सच बोलने लगते हैं तो उससे हमारे घर वाले भी खुश होते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड चिल्ड्रेन, झूठ बोलना क्या है बताओ, मुझे बताओ झूठ बोलना कैसा है। हमेशा बच्चों को सच क्या करना चाहिए बताओ, हमें क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। यस वेरी गुड। और ठीक उस बच्ची अब्दुल कादिर की तरह जिसने अपनी माँ को दिया हुआ वचन निभाया और सच की राह पर उसने अपने सारी रास्ते पर उसने सच कहा और सच की राह पर चला। ठीक है, तो इसीलिए सच कहना चाहिए। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर चिल्ड्रन, टेक आउट योर कॉपी। काफिला का अर्थ क्या है, यात्रियों का समूह यानी कि ग्रुप, यात्रियों का समूह। भय का अर्थ है डर, आक्रमण मतलब हमला, सदरी का अर्थ है संकट जो जैकेट की तरह का वस्त्र, आश्चर्यचकित का मतलब हैरान, प्रभाव का मतलब असर, संकल्प का मतलब निश्चय। ऑल ऑफ यू फर्स्ट राइट द हेडिंग ऑफ द चैप्टर, चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर एंड टुडेज डेट, एंड राइट द हेडिंग शब्दार्थ, उसके बाद वन से लेकर ऐसे नंबर वाइज मीनिंग लिखो। ओके, राइट ऑल ऑफ यू। राइट एंड शो मी। ओके, यस अरहान, व्हाट पहला क्या है, हमें क्या करना है यहाँ पर, रेखा खींचकर व्याख्यांशों को सुमेल करना है। बालक ने क्या किया,
बालक ने सदरी उतारी, बालक ने सदरी उतारी। नंबर टू, अशरफिया धरती पर आ गिरी, ठीक है। नंबर थ्री, हम तेरी सारी अशरफिया छीन लेंगे। नंबर फोर, मैंने अपनी माँ को दिया वचन निभाया। नंबर फाइव, झूठ बोलना पाप है। ओके, नौसिखा, सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए। नंबर वन, अब्दुल कादिर की माता ने उससे कभी भी झूठ ना बोलने के लिए कहा था, राइट। नंबर टू, झूठ बोलना पाप है, राइट। नंबर थ्री, लुटेरे चाहते थे कि अब्दुल कादिर झूठ बोले, रॉन्ग। लुटेरे सभी को लूटकर चले गए, रॉन्ग। नंबर फाइव, लुटेरे को अब्दुल कादिर से कोई सीख ना मिली, रॉन्ग। उन्हें सीख मिली क्योंकि उन्होंने अब्दुल कादिर से क्या सीखा, कि हमेशा सच की मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर दूंगी, ओके, बाद में, रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन, व्हाट यू विल डू, इस कहानी के फर्स्ट स्टैंजा को, ठीक है, जस्ट वेट, आई विल टेल यू, कंप्लीट दिस वन। ऐशानी फिनिश्ड? यस मैम। वेरी गुड। वेरी गुड ऐशानी। साग्निक फिनिश? साग्निक वो मैम बोलती जे बोयर की बोला, कोत्ते हवे। हाँ यस, बुक में करो ये बुक वर्क। यार, अरे जे गुलो दाग दिए छे सेई गुलो की कॉपी में करता है। हाँ मीनिंग्स लिखो, शब्दार्थ है ना वो कॉपी में लिखो, शब्दार्थ को कॉपी में लिखो। यहाँ पर दिया ना मैंने शब्दार्थ, दिस वन, अरे इसे कॉपी में। ए गुलो बोयर ते लिखबो। यस, ये वाला बुक में करो, ठीक ओके ओके मैम। है। चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ यू विल लर्न दिस, ओके। सारे शब्दार्थ अच्छे से पढ़ना, बाय हार्ट याद करना, ठीक है। शब्दार्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल कम इन योर एग्जाम, सो प्लीज ट्राई टू लर्न द मीनिंग्स वेरी नाइसली, ओके।